नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। तीज महोत्सव में महिलाओं ने सावन के गीत मल्हार गाते हुए जमकर डांस किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर आरती वाजपेयी ने बताया कि सेवा संस्थान के द्वारा यह कार्यक्रम उन्हें काफी पसंद आया है। इस दौरान सावन के गीतों के साथ महिलाओं ने झूले का भी आनंद लिया। संस्थापक एकता केसरवानी ने अपने संबोधन में बताया कि आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं। पहले सावन महीनों में गांव से लेकर शहरों तक झूले पड़ते थे, सुहावने मौसम के बीच चौतरफा सावन के गीत सुनाई देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। कार्यक्रम के दौरान महिलाएं अलग अलग वेशभूषा में शामिल हुईं। सावन महोत्सव क्वीन का खिताब ठाकुर दीपिका सिंह को मिला। दूसरे स्थान पर मंजू जैन, तीसरे स्थान पर अर्चना पांडे रहीं। संवाददाता से ठाकुर दीपिका सिंह ने कहा कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन अवश्य होना चाहिए। एकता केसरवानी ने जल्द से जल्द वैश्विक महामारी COVID-19 से निजात मिलने की कामना की। कार्यक्रम में महिलाओं को कोरोना से बचाव एवं COVID-19 वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया गया। सावन महोत्सव के दौरान मौजूद महिलाओं के द्वारा समाज निर्माण में महिलाओं की भूमिका एवं महिलाओं को अपने दायित्वों से अवगत कराकर परिवार और समाज को खुशहाल बनाने के विषय पर चर्चा की गई। सावन महोत्सव में मौजूद महिलाओं ने एक दूसरे को सावन महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए पर्व को मनाया, तो वहीं सावन महोत्सव को लेकर सभी महिला सदस्यों ने भी इस अवसर पर खुशी का इजहार करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। संस्थापक एकता केसरवानी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए बताया कि उनका खुद का विचार एवं सेवा संस्थान का प्रयास यह है कि आने वाले समय में अर्तिका सेवा संस्थान के द्वारा अनाथ, असहाय, दिव्यांग, गरीब, युवक युवतियों का सामूहिक विवाह भी कराया जाएगा, जिसको लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्य रूप से दीपिका सिंह ठाकुर, डॉक्टर मंजू जैन, अर्चना पांडे सेलिब्रिटी जज के रूप में, सिमरन कौर गिल, इंदु गोयल सहित जज तमाम महिला मौजूद रही। कोई भी ओकेजन होता है उसमें हम पार्टिसिपेट करवाते हैं और उनको गिफ्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं वहाँ पे। इससे उनका मोटिवेशन भी होता है और आगे बढ़ने की लगन भी रहती है। थैंक यू। जी, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम, मैं डॉक्टर आरती वाजपेयी हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जी जी, आज जो आप ये चीफ गेस्ट के तौर पे आई हैं, ये किस प्रोग्राम के संबंध में और क्या प्राइस कर दी? जी, अर्तिका सेवा संस्थान की तरफ से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, मुझे अतिथि के रूप में बुलाया गया। बहुत ही मैं इनके लिए थैंकफुल हूँ, इन लोगों के लिए छोटी छोटी चीज़ों से कड़ी के रूप में जो महिलाओं को जोड़ के आगे बढ़ाने का ये कार्यक्रम ही है। इससे क्या होता है कि महिलाओं में जो एक कॉन्फिडेंस की आता है, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और दिमाग ये रहता है कि हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम हमारे बढ़ के आगे हम लोग को अचीवमेंट दिलाते हैं और हम आगे कुछ और अच्छा कर सकते हैं। ये हौसलों की उड़ान है जो हमको ऐसे संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाता है। बहुत ही एकता जी का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि कैसे उन्होंने सबको जोड़ा है और काफ़ी टाइम से इस प्रयास में लगी रही हैं और आगे सफलता पाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत आप सबको भी बधाई, इस संस्था को भी और आए हुए जितने भी लोग हैं सभी लोग। आपका बच्चे मैम? मैं ठाकुर दीपिका सिंह सिंगर, मैं सेवा संस्था का यहाँ डायरेक्टर हूँ और ये मेरी फ्रेंड एकता है। ये हमेशा ऐसे आयोजन करती रहती है और बाई लक और सबके प्रेम से 2021 की विनर मैं हुई हूँ सावन तीज की। तो मैं सभी को, और ये अर्चना जी हैं, ये सेकेंड रनर अप रही हैं, फर्स्ट रनर अप हमारी मंजू जी रही हैं, मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और ये मेरा बचपन से मतलब सपना था कि मैं कभी कोई कॉन्टेस्ट, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, बट परवरिश से ऐसे परिवेश में हुई कि कभी मतलब घर से निकलने का इस तरह से मौका नहीं मिला। ठाकुर फैमिली से थी कि मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह में कभी हिस्सा लूँ, क्योंकि वो सपना मेरी फ्रेंड है एकता केसरवानी ने पूरा कर दिया। और थैंक यू सो मच आप। मैम क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर मंजू जैन, मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर्मेशन सेंट डिग्री कॉलेज। जी जी जी, यहाँ पे जो किस संबंध में प्रोग्राम हुआ, किस सावन जो कि बहुत महत्वपूर्ण हम लोग के हिंदुइज्म में होता है सनातन धर्म में। जी जी, क्योंकि जितने त्यौहार सावन भादों में होते हैं कहीं नहीं होते हैं, हरियाली चारों तरफ होती है क्योंकि बारिश
होती है, हरे पत्ते हो जाते हैं, मन बहुत प्रफुल्लित रहता है, उस खुशी में हम लोग ये करते हैं। इस समय भाई बहन का भी त्यौहार होता है, कृष्ण भगवान का राधा और रास होता है, और सबसे अबव और 15 अगस्त होता है, जो बहुत महत्व है। इसमें 4 या 5 सावन के सोमवार होते हैं, 5 मंगलागौरी व्रत होते हैं, 2 एकादशी पुत्रदा और एकादशी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग एक साथ जुट करके इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। मैम, आप प्रोफेसर रही हैं, रिटायर हो चुकी, रिटायरमेंट के बाद अब आगे क्या कर रही हैं? मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, समाज सेविका, मेरी पर्सनल संस्थापक हूँ जीजी माँ की रसोई। अच्छा, और मेरे यूट्यूबर भी हूँ, जिसमें कि मेरे 300 करीब मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, 300+ पौने 350 400 के लगभग वो है धर्म मार्ग है, और जीना इसी का नाम है। और भी वीडियोस जीजी माँ की रसोई में चलते हैं, जो कि अब तक कोरोना पीरियड से और अब तक लेकर के 700+ मेरे वीडियोस निकलते हैं। मैम, अभी कुछ लोगों ने बताया आप राइटर भी हैं, बुक वगैरह लिखती हैं। मेरी पुस्तकें एम ए और बी ए में लिखी थी, जी लेकिन उस समय नहीं विमोचन कर पाए, उसके बाद सोशियोलॉजी की निकाली, प्रोफेसर सोशियोलॉजी की ली हूँ। उसके बाद जब मैंने कथक में आफ्टर रिटायरमेंट मैंने कथक का प्रभाकर किया, तो मेरे गुरु जी ने कहा कि आप उसका लिंक भी दे दीजिए, तो मैंने लिखा उसकी लॉन्चिंग पर्सनल। ये आज का जो कार्यक्रम किया है हरियाली तीज महोत्सव, ये किस बैनर के तले हुआ और इसका क्या मामला था आज का, इसमें मतलब क्या क्या किया आपने? मेरा नाम एकता केसरवानी है, मैं अर्थिका सेवा संस्था की अध्यक्ष हूँ, और आज ये कार्यक्रम हरियाली तीज क्वीन का हुआ है, जिसमें हमारी फर्स्ट ठाकुर दीपिका सिंह सेंगर जी हैं, सेकंड हमारी मंजू जोशी जी हैं, और थर्ड हमारी अर्चना जी हैं, जो मुख्य अतिथि जी के हाथों से सम्मानित हुई है। इसमें जो भी कार्यक्रम रखा गया है, इसमें क्या क्या इनाम दिए गए और क्या क्या प्रोग्राम में आज आप लोगों ने किया क्या है? आज के प्रोग्राम में इनाम हम लोग ट्रॉफी दिए हैं, सम्मानित किए हैं, और जो हमारे गिफ्ट्स हैं वो सभी महिलाओं को दिए हैं, जो इसमें पार्टिसिपेट दिया गया है। पार्टिसिपेट किस तरह का था इनका, जिस तरह के उन्होंने क्या क्या मतलब कैटवॉक हुआ है, डांस हुआ है, गेम्स हुए हैं, क्वेश्चन आंसर हुए हैं। क्या उद्देश्य है इसका जो आज प्रोग्राम हो रहा है? ये हमारा उद्देश्य मतलब ये प्रतिवर्ष होता है कि ये प्रतिवर्ष होता है, ये सावन के उपलक्ष्य में किया गया जी, है जी, और हम लोग ने ये एक गेट टुगेदर पार्टी ओनली लेडीज के लिए की है, और ये एक एंजॉयमेंट के लिए थी, जैसे कि महिलाओं में जागरूक करना जरूरी है। ठीक जी, क्या नाम है आपका और आज किस संबंध में? मेरा नाम सिद्धन कांगेल है, मैं एक सोशलिस्ट एक्टर और मॉडल हूँ, और यहाँ पे मुझे एकता केसरवानी जी के द्वारा बुलाया गया है। ये अर्थिका सेवा संस्थान है जो लेडीज़ को प्रमोट करती है और अपने संस्थान के द्वारा जागरूक कराती है। यहाँ पे इन्होंने ये प्रोग्राम इसलिए रखा है कि कोई भी लेडीज़ मतलब अपने घरों से निकल के बाहर आए और अपनी जो भी प्रतिभा है वो सामने रखें, सबके सामने। और सबसे बड़ा उद्देश्य अगर यही है, सबकी प्रतिभाएं सामने आई, किसने डांस किया है, किसने सॉन्ग किए हैं, मतलब किसी का ड्रेसअप अच्छा है, किसी की ज्वेलरी अच्छी, मतलब हर चीज़ के लिए कमेंटेबल है, और सबको इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है और गिफ्ट भी मिले हैं। आज के समाज में और भी महिलाएं जो बाहर